चांदा में विभिन्न मांगों को लेकर रीता यादव ने वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर जनपद के चांदा में समाजवादी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता रीता यादव ने विभिन्न मांगों को लेकर विकासखंड प्रतापपुर कमेजा के वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। रीता यादव द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि नरहरपुर से सोनावा तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधारीकरण जल्द से जल्द किया जाए। सड़क किनारे कोई भी नाला या नाली न होने के कारण सड़क पर जलभराव हो जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में यातायात का आवागमन है तथा लेकिन राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं एवं जलभराव के कारण राहगीरों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रीता यादव ने महिलाओं की सुरक्षा के विषय में बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं और मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। साथ ही रीता यादव द्वारा मांग की गई कि कोरोना काल के चलते अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिससे विद्यार्थियों की आधी फीस माफ़ की जाए। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान रीता यादव ने कहा कि यदि एक सप्ताह में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह अनशन पर बैठेंगी। मांग है सरकार से कि इस महामारी में कोरोना में नौजवान किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या, मजदूरों के लिए, उनके बच्चों की फीस माफ़ी के लिए हम उनसे मांग करते हैं। निजी स्कूलों में उनसे पूर्व वसूली गई फीस को आधे में कराया जाए और उनके फीसों को कम कराए जाने की मांग है हमारी। सरकार से मैं गुजारिश करती हूं कि किसान नौजवान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया इस महामारी में, कम से कम बच्चों की फीस माफी की सुरक्षा की जाए, प्रशासन से मांग है। बेरोजगारी के संबंध में आपने कुछ? बेरोजगारी के संबंध में हमारे नौजवान छात्र जो पढ़े लिखे हैं उनकी योग्यताओं की हत्या की जा रही है, उनको कम से कम सरकार से मांग है कि उनको रोजगार दिलाया जाए, उनकी योग्यताओं की हत्या न की जाए। अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, घर से निकलने में उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है, वो अपने आप को सेफ नहीं समझती हैं। यहाँ तक कि सरकार की बहुत बड़ी नीति में बहुत बड़ी विफलता हो रही है। मैं सरकार से मांग करती हूँ अपने कानून व्यवस्था को बनाए रखें। और जहाँ तक मैं सुन रही हूँ कि जब योगी सरकार के शहर में ही महिलाएं सेफ नहीं हैं तो आम महिलाएं अपने आप को कैसे सेफ समझ सकती हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, लूट, हत्या, बलात्कार, इस पर रोक लगाया जाए। और मैं यहाँ इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से DM को मैं ज्ञापन दिया है, अगर इस पर एक हफ्ते पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यहाँ अनशन पे बैठूंगी एक हफ्ते में।